नमस्कार आदाब, न्यूज 5 एम जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य खबरों पर। इस कलयुग में जहां अगर जीवन थोड़ी लंबी हो जाए तो संतान स्वयं अपने माता पिता को ही अच्छी सीख दे देते हैं। वहीं एक ऐसी संस्था जो बिना किसी संबंध के प्रतिदिन भोजन निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं, इस क्रूर संसार में मानवता का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है कि अनुभव होता है मानव सतयुग के देव देवताओं ने साक्षात धरती पर पुनः जन्म ले लिया हो। जी हाँ, श्याम प्रचार संघ टाटा नगर की तरफ से पिछले 15 महीनों से मेहरबाई कैंसर हॉस्पिटल के जितने भी मरीज टाटा वर्कर्स यूनियन विश्राम गृह में रहते हैं, उनके लिए प्रतिदिन दोपहर का भोजन निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। इसमें संस्था के अध्यक्ष आदरणीय नंद किशोर अग्रवाल जी, संस्था के संस्थापक श्री केदारनाथ जी, जैसुका जी, महासचिव महेश सिंगानिया जी, ट्रस्टी श्री अशोक मित्तल जी, मोहित कांटिया जी, कोषाध्यक्ष प्रहलाद अग्रवाल जी एवं प्रेस प्रवक्ता श्री अशोक कुमार अग्रवाल जी की अहम भूमिका रहती है एवं 60 मेंबर इसमें शामिल है कैंसर पेशेंट की सेवा करने में। आइए हम लोग बातचीत करते हैं अशोक अग्रवाल जी से, जानते हैं इसके बारे में। इतना बढ़िया पुण्य का काम कर रहे हैं और वो भी खाना भी बहुत साफ सुथरे से, हर एक पेशेंट हो या पेशेंट के साथ उसके फैमिली मेंबर हो या आम पब्लिक हो, मतलब किसी के लिए भी, मतलब ये कैटेगरी नहीं है कि उनका उस यहाँ पे सिर्फ पेशेंट के लिए अवेलेबल खाना। यहाँ से अगर कोई गरीब भी अगर आते हैं और लाइन लग रहे हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं बहुत लंबी कतार में यहाँ पे लाइन लगी गई हुई थी, मतलब यहाँ पे इतनी बढ़िया खाना और साफ़ सुथरे की तरह दिया जा रहा है। आइए हम लोग उनसे बातचीत करते हैं। सर, ये कितने टाइम से चलता हुआ आ रहा है? ये आज कंटिन्यू 15 महीना से हम लोग टाटा वर्कर यूनियन और रोटरी सेल्टर में श्याम प्रचार संघ टाटा नगर के तरफ से कैंसर पेशेंट के बीच में आज कंटिन्यू दोपहर का भोजन बहुत ही पौष्टिक बन के यहाँ पर आता है और हमारे संस्था का संस्थापक परम आदरणीय श्री केदारनाथ जयसुका जी के नेतृत्व में आज हम लोग कंटिन्यू 15 महीना से कैंसर पेशेंट के बीच में भोजन का वितरण कर रहे हैं। और सिर्फ भोजन ही नहीं, कभी अभी जैसे आम का सीजन है तो बहुत से हमारे मेंबर है, कभी आम लेके आ जाते हैं, कभी दही लेके आ जाते हैं, जैसा जी रहता है सब अपना अपना लेके आते हैं। और खाली खाने का ही नहीं, आज हमारे संस्थापक परम आदरणीय केदार चाचा, इनका जितना भी प्रशंसा किया जाए कम है। बहुत सभी हम लोग की संस्था श्याम प्रचार संघ की है, कंटिन्यू 15 महीने से यहाँ पर श्याम प्रचार संघ की तरफ से कैंसर पेशेंट और उनके जो साथ अटेंडेंस है उनको भोजन वितरण किया जा रहा है, जिसमें 80% योगदान हमारे अध्यक्ष नंद किशोर जी नंदू बाबू रौरकेला वाले की तरफ से है और बाकी डेली हम लोग का प्रतिदिन यहाँ आकर के सब मेम्बर लोग अपने हाथ से देते हैं। और आप लोग जितने भी हैं जमशेदपुर में, जितने भी मंडल वाले लोग हैं, उनसे भी निवेदन करूँगा कि वो लोग भी अपना अपना आके यहाँ पर कीमती समय में योगदान करें। धन्यवाद। केदारनाथ जसुका। यहाँ पे कितने टाइम से आप लोग इतने अच्छे काम कर रहे हैं? देखिए, 15 महीना से हमारा श्री श्याम प्रचार संघ टाटा नगर ये काम कर रहा है। इसके पहले हमारे समाज का जिला मारवाड़ी सम्मेलन द्वारा 9 महीना तक किया गया था। वो जिला सम्मेलन भी हम ही लोग की प्रेरणा से उन लोग 9 महीना बांटे थे। उन लोग के बाद उन लोग किसी कारणवश नहीं आगे बढ़ पाए, तो फिर उसके बाद से हम लोग स्टार्ट किए। अभी 15 महीना से कंटिन्यू है, आगे बाबा श्याम की कृपा से जितना दिन चलेगा चलाएंगे। और आगे हम समाज को संदेश भी देना चाहते हैं, खाली मारवाड़ी समाज नहीं, सभी तबके के लोगों को कहना चाहते हैं कि वो यहाँ आए और इस तरह के पेशेंटों के लिए कुछ ना कुछ मदद करें। यहाँ आ करके अपना कोई जन्मदिन हो, अपना कोई सालगिरह हो, अपना कोई मैरिज एनिवर्सरी हो, उसमें आए और यहाँ पर इस तरह के गरीब आदमियों में पेशेंट को इस तरह का मदद करें। हम लोग रोटरी क्लब में भी 30 से 35 स्टाफ है और यहाँ करीब 100 स्टाफ है। 15 महीना से इनका भोजन की व्यवस्था दोपहर के हम लोग कर रहे हैं और भोजन भी एक नंबर क्वालिटी का, जैसे घर में लोग खाते हैं उस तरह का। ऐसा नहीं कि टेम्परेरी दाल बनाए तो खाली पानी दे दिए, उसमें दाल है, क्वालिटी है, लोग खा सकते हैं, चोखा है। हम लोग एक आदमी पूरा खा नहीं सकेगा जितना खाना हम लोग देते हैं। ये सब मिलजुल के काम करते हैं और ये कड़ाके के धूप में, ये नहीं देखते इतना धूप इतनी गर्मी पर तो भी इतनी बड़ी पुण्य का काम ये लोग लगातार कड़ाके के धूप में, हर एक पेशेंट हो या पेशेंट के फैमिली हो या कोई गरीब फैमिली हो,
उनके लिए खाना का व्यवस्था सारा मौजूद रखते हैं और बहुत बढ़िया से ये लोग व्यवस्था करते हैं। दर्शकों, अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ नए ताजो खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।